जी मेरा नाम वहीद अहमद है, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ इफ्तखार अहमद कंपनी का और मैं पैटर्न चीफ हूँ ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई हो चुकी है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, और हमने इसमें क्या हिस्सा लिया, इफ्तखार अहमद कंपनी जो है वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर भी हैं और जूसेस के अंदर भी है और अपना FMCG टमाटो केचप चिली सॉस के अंदर भी है। तो हमने यहाँ जो स्टैंड लगाया है वो जो मंडी से जो कीमत है उससे 20 से 30% सस्ता है, जिसमें सब्जियों में आलू प्याज और टमाटर लगाया है, इसी तरह फ्रूट में तरबूज खरबूजा लगाया है और जो हमारी जो केचप और जूसेस है उसमें बाय वन गेट वन फ्री लगाया हुआ है। तो हमने और मेरी हमेशा एक ख्वाहिश होती है और मेरा एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान में पूरे इंडस्ट्री को कि रमज़ान के महीने में हम कमाने वाली बात ना करें। ऐसा मुझे लगता है कि शायद हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान में ही सब कुछ हम कमा लें। अल्लाह ताला ने इस बरकत महीने में कहा है कि चैरिटी करो, ज़कात दो, अल्लाह के नाम पर दो। सिर्फ रोज़ा और तरावियों पर हमें नहीं कहा गया, लोगों की खिदमत करने का भी कहा गया है। फिर आपका जो है पूरा रोज़ा कम्प्लीट इस महीने की इबादतें होती हैं और मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि रमज़ान में सेल लगना चाहिए, 50% हो, 30% हो, सेल हो। बताऊं क्यों, कि जब मैं इंग्लैंड, जब मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाता हूं, वहां पे ये देखता हूं कि नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिसका टेस्को सेंसबरी, वहां पे मुसलमानों के प्रोडक्ट जो हलाल प्रोडक्ट है उस पर वो सेल लगा देते हैं, रमज़ान की सेल लगाते हैं, ईद की सेल लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया है हमें एज़ अ पाकिस्तानी कौम, इसलिए आज जो मुसीबतें हैं इस कौम को इसी वजह से है। जिस दिन हम अल्लाह के चीज़ों के ऊपर डायरेक्शन पे हम चले जाएंगे तो हमें हमारी जो है जो कामयाबी के जो मंजिल है इस मुल्क को कोई भी नहीं रोक सकता। हमें ऑनेस्टी ईमानदारी, जो काम करें उसको प्रोफेशनल तरीके से करें, जो चीज़ बनाएं क्वालिटी की बनाएं। हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, हम कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं इस्तेमाल करते, नेचुरल कलर करते हैं। जो आर्टिफिशियल कलर 2000 रुपये का है और जो नेचुरल कलर 20,000 का है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 40 मुल्कों से और ये कंपनी जो है 1960 से है। और एक ही मैं बात करता हूँ कि हमें एक्सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस मुल्क को डॉलर चाहिए और हमारी इफ्तखार अहमद कंपनी की कोशिश पूरी है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इसलिए कि मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल जो एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर का, उसका पैटर्न चीफ भी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन भी हूँ, सेक्रेटरी फूड एंड वेजिटेबल बेवरेजेस और फूड सेक्टर का। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है एक्सपोर्ट बढ़ाऊँ। मैं दुनिया भर के एग्जीबिशन पर भी अटेंड करता हूँ। आज कराची एक्सपो में मैं खुद मौजूद हूँ, मैं यहाँ दोपहर से आया हुआ हूँ और अभी तक मैं मौजूद हूँ। क्यों, कि मैं यहाँ लोगों की फीलिंग देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कंपनी के बारे में। हम यहाँ पे जो रमज़ान में और रमज़ानों में जो एक सेल लेके आए, और इसी मैसेज को मैं पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी कहता हूँ, प्लीज़ रमज़ान के महीने में सेल लगा दें। खुदा की कसम, अगर अल्लाह की राह में आपने 100 रुपये खर्च किया तो अल्लाह ताला आपको 1000 रुपये देगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और कोई हमें शक नहीं। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह जो कहता है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। शुक्रिया। देखें जो ये मसला है ना बायकॉट करना, मैं आवाज़ जो हूँ अभी किसानों की भी हूँ और आवाम की भी हूँ, ठीक है, दोनों की लेके मैं चलूँगा। मसला क्या है, पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए 2022 के अंदर फ्लड जो आया है उसमें किसानों को कितना नुकसान हुआ है। ये याद रखें इस बात को, किसान जब लगाएगा जब कमाएगा। आप ये समझते हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई है कि हम बायकॉट कर दें, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अंदर 92% जो किसान है वो 25 एकड़ से नीचे है, उससे जो बड़ा किसान है वो 8% है पाकिस्तान का। इसका मतलब अपने किसान को मार रहे हैं। बायकॉट करना कोई सलूशन नहीं है, हम सलूशन की तरफ बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कंट्रोल प्राइस नहीं हो रही, मेरा ये कहना है कि पहले R&D को फोकस करें, जो किसान की हील्ड है उसको बेटर करें। DAP की जो प्राइस थी पिछले साल 6000 रुपये का था, अब 16000 रुपये में चला गया है। फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, बिजली की प्राइस बढ़ गई है, आपके ट्रांसपोर्ट की बढ़ गई है, तो क्या आप समझते हैं कि फल क्या फ्री उगता है क्या, उसके ऊपर क्या फ्री के खर्चे आते हैं। बात यह है कि ये सलूशन नहीं है कि बायकॉट करना, हमें इसकी अंदर जाना चाहिए क्या करना चाहिए। हुकूमत को किसान को सस्ते बीज देना चाहिए,
सस्ती फर्टिलाइज़र देना चाहिए तो हम हमारी जो जो इनपुट है फिर हमारी सस्ती आएगी ना। बायकॉट करने का क्या है, आपने आज बायकॉट कर दिया है, कल अगर किसान नहीं लगाएगा तो इसका मतलब कि जो आज 10 रुपए की चीज़ है कल वो 40 रुपए की मिलेगी, वो आवाम खुश होगी कि बायकॉट करने से, या आज जो हम दे रहे हैं वो दें कि किसान को जो लॉसेस हुए। अब मैं आवाम की तरफ से एंगल दूँ, बिल्कुल सही कह रही है कि महंगी चीज़ें, अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूँ, जो मंडी में 100 रुपए की चीज़ बिकती है वो रिटेल के अंदर 200 रुपए की बिक रही है, 300 की बिक रही है, 400 की बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत किधर है? इसका मतलब सब कुछ बायकॉट के ऊपर है। मेरा सवाल है कि चाय की पत्ती महंगी हुई है, दूध महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई है, सिर्फ फूड ही बायकॉट पे मिला है? जो मल्टीनेशनल काम कर रही है उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई बायकॉट के ऊपर? मेरा सवाल है जिसने बायकॉट किया फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर, जो मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहा जब उसके प्राइस इंक्रीज हुई है? तेल के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? मंडी की जो सप्लाई और डिमांड कैसे होती है, अगर 50 गाड़ियों के डिमांड अगर 20 आएगी तो रेट महंगा हो जाएगा, अगर 50 से ऊपर आएगा रेट वो होगा, क्योंकि ओपन मार्केट है। आज आपका डॉलर जो है वो भी ओपन है, आप उसको फिक्स कर देना डॉलर को, क्यों नहीं फिक्स करते आप? डॉलर की वजह से तो आज महंगाई हो गई है। आप समझते हैं कि जो फ्रूट और सब्जियां महंगी नहीं होगी दूसरी चीज़ें महंगी हो जाए, ये नहीं हो सकता। हमें बराबर किसान को भी जो कॉस्ट है दो पैसे वो भी कमाए, और आवाम को भी वो प्राइस मिलना चाहिए जो होलसेल से अगर 50% प्रॉफिट मिलता है इससे ज़्यादा जो कमाए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। हमें तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, तो हुकूमत क्या करेगी? बायकॉट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान फॉर द फ्रूट एंड वेजिटेबल, और ये फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस पैदा हो गए और कुछ नहीं, इस बायकॉट से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ गया। मगर मेरा यही मैसेज है, किसान कमाएगा नहीं तो लगाएगा नहीं, कल के मुस्तकबिल को आप ख़राब कर रहे हैं। या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस आ गए हैं, उसको कौन देखेगा? फ्रूट एंड वेजिटेबल को तो आप बात कर रहे हैं कम की, तो दूसरी चीज़ों पर भी ये फोकस कर लें। मैं यही बोलूँगा, मैंने ओपन किसी चैलेंज के ऊपर आए मुझे बिठाएँ, और जो कहता बायकॉट हो उनको भी बिठाए, और मैं चाहता हूँ कि बातचीत हो और इसका एक सलूशन निकले। कराची मंडी के अंदर एक बड़ी मंडी है, हम कहते हैं मंडी या तीन होना चाहिए कि जो रेट स्टेबल हो, एक मंडी सुपर हाईवे पे, कौन जाएगा वहाँ रिटेल लेने के? मंडी के पूरे कराची के अंदर तीन होना चाहिए, इसी तरह दूसरे बड़े शहरों में भी। लंदन का एग्जाम्पल लें, बॉम्बे का एग्जाम्पल लें, बीजिंग का एग्जाम्पल लें, कहीं भी बड़े शहरों में 3 से 4 मंडियाँ हैं। बस यही कहूँगा, और मैं यही कहूँगा, किसान है गरीब है, अगर उस पर आपने जुल्म किया एंड ऑफ द डे फूड सिक्योरिटी क्राइसिस होगा। पिछले साल 2022 में आम की फसल 50% तबाह हो गई, प्याज की 80% तबाह हो गई, टमाटर की 80% तबाह हो गई, सब्जियों की 80% तबाह हो गई, कीनू की 45% तबाह हो गई, खजूर 80% तबाह हो गई। खजूर में फ्रूट भी है तो फिर फ्रूट पे, खजूर पे भी तो बायकॉट करें, वो क्यों खा रहे हैं जो आज 400 रुपये किलो है? शुक्रिया जी।